मैं डॉक्टर संजय कर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट डिजीज़ की। प्रोस्टेट वो ग्रंथि है जो सिर्फ आदमियों में पाई जाती है। इसका साइज़ एक वॉलनट जैसा होता है और ये ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल मुख्य द्वार पर होती है। जैसे ये मान के चलिए कि मुख्य द्वार पर एक संतरी की तरह से रहता है ये, और ये उम्र के साथ साथ में जब 40-45 साल की उम्र होती है उसके बाद में ये बढ़ने लगता है। तो इसके द्वारा जो भी कोई विकार आता है या जो भी कोई समस्या आती है वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि 45-50 के बाद में आती है। हाँ, ये ज़रूर है कि यंग एज में भी इसकी कोई बीमारी हो सकती है, वो ज़्यादातर इन्फेक्शन होती है जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्या इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। प्रोस्टेट के अंदर एक साधारणतया, जैसे मैंने बताया कि उम्र के साथ साथ ये बढ़ता है, तो जब ये अपने साइज़ में ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी कसावट की वजह से जो दिक्कत आती है वो अमूमन 50 के बाद में देखने को मिलती है। यंग एज में जो इसकी बीमारी होती है प्रोस्टेटाइटिस इन्फेक्शन, वो हमें 20-25 साल के बाद भी देखने को मिल सकती है, वो कभी भी मिल सकती है वो। और एक और इसमें मुख्य रूप से एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं कैंसर, जिससे ज़्यादातर सभी लोग एक कैंसर नाम से भी डरते हैं। तो ये वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये 50 के बाद ही होता है। अब बात करें कि प्रोस्टेट के सिम्टम्स क्या होते हैं और ये किस तरह से इसके पता पड़ता है कि आदमी को किसी तरह की इसमें बीमारी है। जैसे मैंने बताया कि जब ये उम्र के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता है तो ये एक हार्मोन डिपेंडेंट ग्रोथ होती है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, उसकी वजह से ये धीरे धीरे करके अपने साइज़ को बढ़ाता है। जब ये साइज़ में इतना बढ़ जाए कि कसावट ज़्यादा कर जाए तो पेशाब की गति रुक जाती है, पेशाब धीरे धीरे होने लगता है, बार बार जाने की इच्छा होती है और हमें ऐसा लगता है कि करने के बाद भी पेशाब अंदर रह गया है। और मुख्य रूप से हम इस तरह के सिम्टम्स को दो तरह से बोल सकते हैं कि एक इरिटेटिव सिम्टम्स और एक ऑब्स्ट्रक्टेड सिम्टम्स। इरिटेटिव सिम्टम्स का मतलब होता है कि हमें बार बार जाना, जैसे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। अर्जेंसी मतलब जिस समय पेशाब लगी तो तुरंत ही हम पेशाब करने जाएं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इतनी तेज पेशाब लगती है कि हम वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाते और उससे पहले कुछ लीकेज हो जाती है। तो ये जो सिम्टम्स थे ये इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं, जिनको स्टोरेज सिम्टम्स भी बोला जाता है, जो ब्लैडर में इरिटेशन होने के कारण से होते हैं। और दूसरे जो डायरेक्ट प्रोस्टेट अपना साइज बढ़ने के कारण करता है उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड सिम्टम। ऑब्स्ट्रक्टेड सिम्टम मतलब कि जो उसकी गति है, उसकी दहार है, उसकी मोटाई है पेशाब की, वो कम हो जाना, पेशाब दूर जाने की बजाय नज़दीक गिरना, कई बार तो इतना ज़्यादा नज़दीक गिर जाती है कि कपड़े ही खराब हो जाते हैं, ड्रॉप्स में गिरना, करने के बाद लगना कि अभी पेशाब यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब की थैली में अभी और रह गया है। तो ये सारे सिम्टम्स ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में आते हैं। शुरू में तो सिम्टम्स माइल्ड होते हैं और उस समय अगर ये डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए, यूरोलॉजिस्ट के पास जाया जाए, तो कुछ जांचों के द्वारा, जैसे कि क्या जांच है, सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। डॉक्टर सब हिस्ट्री लेने के बाद में, पेशाब की समस्या सुनने के बाद में अपने आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। मल द्वार के रास्ते से प्रोस्टेट को हम फील कर सकते हैं और उसमें ये अनुमान लगाते हैं कि प्रोस्टेट कितना बढ़ गया है, इसके अंदर कोई खराबी तो नहीं डेवलप हो रही। खराबी से मतलब है कि कहीं कोई कैंसर जैसी कोई गांठ तो नहीं है। अगर कैंसर जैसी कोई गांठ नहीं है तो इसका मतलब है कि ये 75-80% हम लोग सही होते हैं और उसमें ये बिना एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है। अब फर्दर टेस्ट करने के लिए इसको यूरोफ्लोमेट्री में पेशाब की धार कराई जाती है एक मशीन के ऊपर। उससे अनुमान लगता है कि जो मरीज की जो प्रॉब्लम है या जो उसकी तकलीफ है कितनी गंभीर है। अलग अलग हिसाब से, जैसे कि अगर ये हल्की धार में कमी है तो हम दवाइयों से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर सीवियर ऑब्स्ट्रक्टेड सिम्टम आ रहे हैं, यानी कि यूरोफ्लोमेट्री पे काफ़ी पुअर फ्लो रेट आता रहा है, इसका मतलब है कि हम दवाइयों से इतना फ़ायदा नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली मरीज को कोई ना कोई सर्जिकल इंटरवेंशन कराना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट जांच होती है जिसको बोलते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये काफ़ी हद तक हमें इसमें हेल्प करती है कि कहीं कैंसर की शिकायत तो नहीं है। 75-80% ये पता पड़ सकता है कि अगर ये PSA बढ़ा हुआ है, साथ में अगर हमने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करने पे देखा कि उसके अंदर कोई गांठ महसूस की है, तो इन दोनों टेस्ट को कंबाइन करके, हमारा क्लिनिकल असेसमेंट और ये बायोकेमिकल टेस्ट, इन दोनों को पता करके हम कह सकते हैं कि मरीज को संभावना है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। अगर प्रोस्टेट कैंसर की संभावना हमें लग रही है तो उसके बाद में उसको कन्फर्म करने के लिए प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं। तो ये तो एक बात हुई कैंसर का डायग्नोसिस करना। अब वापस से हम बात करेंगे जो बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है। जब ये कन्फर्म हो जाता है, ये श्योर है कि भाई जो जो पेशेंट की सिम्टम्स हैं
उसमें कैंसर के द्वारा नहीं बट साधारणतः जो उम्र के साथ में प्रोस्टेट बढ़ता है उसके कारण से है। तो हम आगे इसमें देखते हैं कि क्या करा जाए। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स हैं और यूरोफ्लोमेट्री पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, साथ में अल्ट्रासाउंड में भी कुछ ऐसे फीचर्स नहीं है जैसे अंदर पेशाब ज़्यादा नहीं रुक रहा है, तो उसमें हमारे पास में मुख्य रूप से दो तरह की दवाइयाँ होती हैं जिनको हम दे के इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ये सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होते या हमारे इन्वेस्टिगेशन पे दिक्कत या ये ऐसा लग रहा है कि दवाइयों से काम नहीं चलेगा, तब हम कुछ ना कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन पे जाते हैं। पिछले कुछ सालों से सर्जरी प्रोस्टेट के लिए लेज़र बहुत अच्छे आ गए हैं। इसमें सभी तरह के लेज़र होते हैं। शुरुआत में तो आए थे डायोड लेज़र आया था, फिर हॉलियम लेज़र आया, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास में एक और लेज़र आया, थूलियम लेज़र। ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ लेज़र अपनी अपनी इनकी वेवलेंथ होती है उस पर वेरी करते हैं, थोड़ा बहुत इनके ट्रीटमेंट मॉडलिटी में चेंज होता है, लेकिन इस लेज़र से फ़ायदा क्या रहता है कि जो ब्लीडिंग होती है, जो प्रोस्टेट में अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो ब्लीडिंग इसमें ना के बराबर होती है, बहुत ही कम रहती है। पेशेंट ऑपरेशन के बाद कंफर्टेबल रहता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ये ज़्यादातर जेनेटिक एज ग्रुप होती है, बुजुर्ग पेशेंट होते हैं जो कोई ना कोई ब्लड थिनर चल रही होती है, मे बी ब्लड प्रेशर की वजह से या हार्ट की किसी तकलीफ की वजह से, तो कई बार हम इनको बंद भी नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में हम लेज़र का इस्तेमाल करके ब्लड थिनर के रहते रहते भी हम प्रोस्टेट को वेपराइज कर सकते हैं। लेज़र एनर्जी से प्रोस्टेट जब वेपराइज हो जाता है तो जो ये मूत्र द्वार होता है ये खुल जाता है, उनकी सारी समस्या दूर हो जाती हैं। तो लेज़र ने एक रिवॉल्यूशन ला दिया है प्रोस्टेट के सर्जिकल ट्रीटमेंट में। अब बात करेंगे वापस से हम प्रोस्टेट कैंसर की। जैसे मैंने बताया कि इसको पता करने के लिए हम या तो PSA की हेल्प लेते हैं या अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जब ये कंफर्म हो जाता है कि अब हमें बायोप्सी की तरफ जाना है तो प्रोस्टेट बायोप्सी करी जाती है। प्रोस्टेट बायोप्सी करने के लिए हमें द्वारा अल्ट्रासाउंड की मदद से करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रस्ट गाइडेड प्रोस्टेट बायोप्सी। इसमें मल द्वार से अल्ट्रासाउंड करा जाता है और डिफरेंट कोर्स से प्रोस्टेट में से टिश्यू निकाला जाता है और वो बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। अब जब बायोप्सी में आता है कि प्रोस्टेट कैंसर कन्फर्म है और इसको हमें अब ये भी देखना है कि ये कहीं और शरीर में नहीं फैला हुआ, ये चीज़ देखने के लिए या तो हम MRI करते हैं, और एक और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आ गया है जिसको बोलते हैं PET CT स्कैन। PET CT स्कैन से ये पता पड़ जाता है कि ये शरीर में कहीं और किसी ऑर्गन में या किसी और हड्डियों में, लिवर में, लंग्स में, ब्रेन में, ऐसी जगह तो नहीं गया हुआ। अगर प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट तक सीमित है तो हम इसमें प्रोस्टेट सर्जरी भी कर सकते हैं, पूरे प्रोस्टेट को निकाल कर आदमी को उस समय डिजीज फ्री कर सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा डिजीज फ्री सर्वाइवल देखा गया है। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर समय पर डायग्नोसिस हो जाए तो हमारे पास में बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। बहुत सारे से मतलब कि कैंसर के लिए, कैंसर के निदान के लिए जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, ये सारी हम प्रोस्टेट कैंसर में कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अर्लीस्ट डायग्नोसिस हो जाए, और जैसे मैंने बताया शुरू में अगर जब तक ये प्रोस्टेट के अंदर सीमित है हम सर्जरी से बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। हाँ, अगर ये प्रोस्टेट अपने आप प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट की लिमिट से बाहर चला गया है, आसपास की लिम्फ नोड में गया है, तब भी कुछ रोल है सर्जरी का, साथ में इसमें रेडियोथेरेपी, उस एरिया को हम रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। अगर प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा फैल गया है तो उसमें काम आती है हार्मोनल थेरेपी और कीमोथेरेपी। तो ये हमारे पास में डिफरेंट थेरेपीज हैं जो हम प्रोस्टेट कैंसर के लिए यूज़ कर सकते हैं। जितना जल्दी हम उसको डायग्नोसिस कर लेंगे और जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेंगे उतना ही अच्छा पेशेंट के लिए रहता है, उनकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है, डिजीज फ्री सर्वाइवल अच्छा होता है। तो अब नटशेल में अगर मैं बात करूँ तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो आदमियों में पाया जाता है, इसमें उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ अगर हम समय पर डायग्नोस कर सकें, या मरीज जो भी तकलीफ है हमारे पास लेके समय पर आ जाता है, चाहे वो बिनाइन एनलार्जमेंट हो चाहे वो कैंसर का हो, समय पर आने पर दोनों चीज़ का ट्रीटमेंट संभव है। और लेकिन अगर हम डिले करते हैं तो डिले करने पर, जैसे कैंसर में अगर हम डिले कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट तो है बट लेकिन पूरी तरह से हम उस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।